तो जैसा कि दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे पॉपुलर कार यानी महिंद्रा बुलेरो नए अवतार के साथ भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली है। भारतीय बाजार में इसी महीने ग्राहकों के लिए लॉन्च हो रही है नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो। इस नई एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा जा चुका था और इसके कई सारे फीचर्स जानकारियां सामने आ चुकी है। पिछले कई रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा बुलेरो फेसलिफ्ट नए अवतार के साथ नए फीचर्स तथा नए लुक और डिजाइन के साथ भारत में नजर आने वाली है। सिर्फ कॉस्मेटिक बदलावों ही नहीं बल्कि इस कार में ऐसे बेहतरीन फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि आप सभी के वाकई में ही होश उड़ाने वाला है। कंपनी का दावा है कि हमारी भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को स्कॉर्पियो जैसा डिजाइन भारत के लिए दिया गया है क्योंकि कम बजट में अपनी एसयूवी कार लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। भारत में जानकारी के अनुसार महिंद्रा की नई बुलेरो को दो नए कलर कॉम्बिनेशन तथा डुअल टोन कलर एक्सचेंज में भी उतारा गया है। साथ ही साथ इस कार में आपको बेहतरीन फीचर्स की लंबी लिस्ट की कतार देखने को मिलने वाली है। ये जानकारी सामने आई है कि महिंद्रा ने आखिरकार 2022 बुलेरो के अगले हफ्ते ही इवेंट को दौरान इस कार को लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। यानी दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और फाइनली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो फेसलिफ्ट वेरिएंट के साथ भारत में नजर आ चुकी है और कुछ डीलरशिप के द्वारा इस कार की प्री बुकिंग भी ली जा रही है। अगर आप इस जबरदस्त ऑफरोडिंग कार के दीवाने हैं तो आपके लिए ये नया मॉडल काफी जबरदस्त पैमाना भारत के लिए होने वाला, तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी भारत में मौजूद महिंद्रा बुलेरो मार्केट के लिए तीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देती है, लेकिन नए मॉडल में नए कलर वेरिएंट भी देखने को आप सभी को मिलने वाले हैं। ग्राहकों को इस कार को डुअल टोन कलर का चुनने का मौका कंपनी ने दिया है। हालांकि बुलेरो को बेसिक लुक वर्तमान जैसे ही कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन के साथ नहीं लाया जा रहा है, लेकिन उस पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आप सभी को बेहतरीन कार को बनाने में दिखाई देने वाले कि वो पहले से ज्यादा दमदार और शानदार दिखाई दे। इसमें डुअल टोन एक्सटीरियर शेड और नए मोनोटोन कलर स्क्रीन का भी यूज किया गया है। यानी ग्राहक इस कार को अब नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ भारत में ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चर्चित कार यानी महिंद्रा बुलेरो फेसलिफ्ट के इंजन तथा पावर की तरफ गौर किया जाए तो आखिरकार इस कार में कौन से इंजन का प्रयोग किया है जिसके कारण ये कार प्रति लीटर पेट्रोल में आप सभी को जबरदस्त माइलेज भारत की सड़कों में पुराने मॉडल से ज्यादा देने वाली है। नई महिंद्रा बुलेरो 2022 में आप सभी को 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर M-Hard डीजल नहीं बल्कि टर्बोचार्ज पेट्रोल विकल्प ऑप्शन दिखाई देने वाला है। ये इंजन भारत की सड़कों पर आप सभी को 82 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 220 nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इसके साथ ही कार के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT और मैनुअली दोनों ही विकल्प ऑप्शन चुनने का मौका कंपनी ने दिया है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का दावा है कि नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो पुराने मॉडल की तुलना में आप सभी को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ माइलेज इस इंजन के साथ प्राप्त करवाने वाली है। यानी बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखते हुए इस कार को फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन किया गया है और इसके इंजन में फोर सिलेंडर होने के कारण ये कार आप सभी को प्रति लीटर में 28 से 31 किमी के आसपास जबरदस्त माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। इंटीरियर तथा फीचर्स की बात करी जाए तो भारत में इस जबरदस्त एसयूवी कार के इंटीरियर में बड़े बदलाव आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। पूर्ण रूप से पुराने मॉडल की तुलना में अब इस कार को पर्सनली फाइनली भारतीय बाजार में काफी ज्यादा भारत में लिया जाएगा। डैशबोर्ड में पैसेंजर साइड एयरबैग्स को शामिल किया जाने के साथ ही साथ महिंद्रा के इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव बुलेरो में दिखाई देते हैं। पहले से बुलेरो पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर आकर्षक ग्रैब हैंडल के साथ नजर भारत में आती है जैसा कि पुराने मॉडल में आप सभी ने देखा होगा। अब इसकी जगह पर एक रेगुलर डैशबोर्ड पैनल और पैसेंजर साइड पर एक नया फॉक्स वुड ग्रैंटिंग स्टीरियो अपडेट किया गया है जो कि एसी वेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी सेंटर कंसोल में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ऐड किया गया है जो कि HD फॉर्म में मिलता है। दोनों साइड आप सभी को मैनुअली नहीं बल्कि EMT अपडेट ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक एसी वेंट्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस कार में फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। पैसेंजर के लिए मनोरंजन के लिए इस कार में बोसे के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं और डैशबोर्ड को एक बेहतरीन वुड फिनिशिंग वाला स्टाइल मिलता है। यानी प्रीमियम इंटीरियर के साथ फाइनली बुलेरो नए अवतार में दिखाई देने वाली है। सीटों की बात करी जाए तो महिंद्रा बुलेरो को भारतीय बाजार में 6 सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ और 5
सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ भारत में अभी लाया जाएगा। कार में अपोल सीट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि महंगी कारों में आप सभी को दिखाई देता है। कंफर्ट के मामले में सीट पे अपोल सीट्स दिखाई देती है, जो कि फिन लेदर के साथ कटने फटने से आपकी सीटों को बचाती है। और कंफर्ट के मामले में नेक्स्ट लेवल आप सभी को इस कार में बैठने के बाद कंफर्ट मिलता है। एरो की नई सीटों में सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस कार की सीटों को फोल्ड किया जा सकता है। फोल्ड करके बूट स्पेस को काफी अच्छा मेंटेन कार में कर सकते हैं, और यूज न होने पे कार की सीटों को बाहर भी निकाल के आप आसानी से रख सकते हैं, तथा फाइव सीटर विकल्प ऑप्शन में भी तब्दील इस कार को कर सकते हैं। क्या कमाल की बात, साथ ही साथ बूट स्पेस आपको इतना ज्यादा मिलता है कि 6 लोग बैठने के बावजूद भी सामान रखकर यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो भारत में महिंद्रा की कारें सेफ्टी फीचर्स के लिए ही जानी जाती है। कम बजट में आप सभी को बेहतरीन मजबूती के साथ एक परफॉर्मेंस वाली कार महिंद्रा देती है। ग्लोबल एनसीपी तथा क्रैश टेस्ट मानकों के तहत भारत में मौजूद बुलेरो को काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे, मगर नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ कार की अपडेटेड सांचे को ही चेंज कर दिया गया है। यानी स्टेनलेस स्टील से बने इस अपडेट वेरिएंट को दोस्तों भारतीय बाजार में 5.5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि भारत के लिए काफी अहम मानी जाती है। हर ग्राहक आज के टाइम में अपने सेफ्टी फीचर्स पे काफी ध्यान कार को लेते वक्त देते हैं। साथ ही साथ अब आप सभी को इस कार में सिंगल नहीं बल्कि पूरे 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा भी मिलती है। इस कार के सेफ्टी फीचर्स की तरफ गौर किया जाए तो ईबीडी के साथ ABS या पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे दो ऑप्शन में दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम के साथ आप सभी को ये कार नए बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट के साथ मिलती है। इस कार में स्पीड वार्निंग सेंसर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे बेहतरीन सेंसर अपडेट सेफ्टी फीचर्स को भी इस कार में दर्शाया गया है। यानी अब इस कार को हाई टेक फीचर्स के साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स के साथ भी लोडेड करके भारत में लाया जाएगा। तो अगर आप अपनी नई जनरेशन बुलेरो को लेने का प्लान काफी लंबे समय से बना रहे थे, तो फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जब आप इस कार को बुक भी कर सकते हैं। सबसे खास बात तो दोस्तों ये होने वाली है कि महिंद्रा बुलेरो को लेने के लिए आप सभी को एक्सचेंज ऑफर्स की भी अपडेट मिल सकती है। यानी पुरानी महिंद्रा की कोई भी कार को लाके अब नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो की तरफ जा सकते हैं, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए काफी अच्छा एक्सचेंज ऑफर कंपनी ने रखा है। एम महा प्लेटफॉर्म पे बनी नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट की गई बॉडी से डिजाइन किया गया है, जो कि लाइट वेट होने के चलते काफी मजबूती के साथ भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप सभी को कम झटके लगते हैं, कम झटकों के साथ आप सभी की बॉडी काफी मजबूत इस कार में रखी गई है, जैसे कि पुराने मॉडल में आप सभी को दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ बता दें कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को एक्सचेंज विकल्प ऑप्शन के साथ 14 से लेकर 16,000 रुपए के कॉर्पोरेट डिस्काउंट के साथ भी आप खरीद सकते हैं। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो के बेस वेरिएंट की कीमत 5.80 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस होने वाली है। तो देरी किस बात की भाई, अगर आप इस कार को लेने के लिए लाइन नहीं लगाना चाहते हैं और सबसे पहले अपडेट करके इस कार को बुक करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।